गुड मॉर्निंग साथियों, लग गई आग जमाने में तो फिर बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही मिलता है इस जमाने में सब कुछ, भला इन हाथों की लकीरों में भला रखा क्या है, बस मोबाइल ही तो रखा है ना। तो मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा यार, और हम लोग भी आज मिलकर मेहनत करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज है ये 4.2 और NCERT मैथ है, क्लास 6 की मैथ है, लेकिन इसमें बहुत कुछ काम का है। पिछली क्लास में हम सभी ने देख लिया था, क्या क्या देखा था, कर्व देखा था, कर्व के प्रकार देखा था, बहुभुज देखा था, भुजाएं, विकर्ण, और एक कुछ देखा था, वो क्या था, शीर्ष ना, जिसे इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं और विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं। तो ये सब हमने देख लिया है, बस उसी के आधार पे ये सब है। कह रहा था कि क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स ओपन क्लोज्ड। क्लासीफाई मतलब होता वर्गीकृत करिए, कहने का मतलब देसी भाषा में समझो, अलग अलग करो, कौन खुला है कौन बंद है, छांटो, ऐसे बोलो तो खुला वक्र और बंद वक्र छांटो। तो मैंने आपको पढ़ा दिया यार, अगर 30 वाला आपने पार्ट देखा होगा, 31 पार्ट है, तो आपको सब क्लियर होगा। इसको झटाझट अंखिया बंद करके लिख सकते हैं भाई सब लोग। चलो बताओ, ये ओपन वक्र है कि बंद है, ओपन है कि बंद है, मतलब ओपन है कि खुला है, कुछ कंफ्यूज हो रहा है ना यार। कहने का मतलब ये है कि ओपन है कि क्लोज्ड है। तो ये आप देख रहे होगे कहीं क्लोज है, यहां से शुरू हुआ यहां आके खत्म है, ओपन वक्र है ना। इसमें देखो यार, शुरू कहां से हुआ था, बंद कहां पे हुआ, कुछ मिले नहीं रहा है, अंधेरा अंधेरा है, ये कोरोना की तरह फैला है, इसे इसे गया, इसे इसे आया, बंद है ना, ये कहीं नहीं खुला ना। तो ये बंद वक्र है, इसे लिखोगे इंग्लिश में क्लोज्ड कर्व, इसे लिखोगे ओपन कर्व, हिंदी में लिखोगे खुला वक्र, बंद वक्र। ये तो ऐसे मुंह फैला है, खुला है, देख रहे हो, तो वो भी क्या है, ओपन वक्र है। तो ये खत्म हो गया पहला क्वेश्चन, आपने बहुत ही अच्छे से क्लियरली कर लिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, और यार अभी तक लाइक नहीं किया हो तो भाई लाइक कर दो जल्दी से, निवेदन है आपसे, कम से कम स्वीकार करो प्रभु जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ध्यान से देखना यार, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये, इसी में का क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। हिंदी में कह रहा है कि निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए, इंग्लिश में कह रहा है कि ड्रा रफ डायग्राम, ड्रा रफ डायग्राम टू इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग, इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग मतलब ये खुला वक्र को प्रदर्शित करने के लिए एक रफ डायग्राम बनाओ। यार वही सब तो पढ़ा रहा हूँ, पिछली क्लास में भी पढ़ाया, पहले क्वेश्चन में भी पढ़ाया। खुला वक्र मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग हो, खुला वक्र कहलाता है। देखो ये दिल भी बन गया थोड़ा मोड़ा, है ना। बंद वक्र का मतलब क्लोज्ड कर्व भी मैंने लिखा है, आधा हिंदी लिखा हूँ आधा इंग्लिश लिखा हूँ, क्योंकि हमारे पास दोनों स्टूडेंट होते हैं और हम दोनों को प्यार करते हैं, है ना, तो दोनों को बराबर बराबर हिसाब है। चलो, क्लोज कर्व का मतलब ये, ले जाओ चाहे जहाँ से, लेकिन वो आके वहीं पर रुक जाए, है ना, समझ गए, मतलब घूमे चाहे जहाँ लेकिन लौट आए वही जगह पर। वो एक गाना सुना पुराने जमाना का, दिन में चाहे जहाँ रही हो हमार पिया। अब ये आगे बोलना अच्छा नहीं, आप लोग समझ गए होगे, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से देखना यार, ईमानदारी से देखना बाबू, ठीक ना। देखो थोड़ा सा कम बुझा रहा होगा तो बड़ा लिख दिया हमने, बुझाने का वर्ड सुन करके आप लोग बिहारी जानते होंगे, लेकिन हम बिहार से नहीं यूपी से हैं, वैसे यूपी वाले लौंडे जो होते हैं ना, वो कहीं किसी काम में पीछे नहीं रहते हैं। आप लोगों को सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, सुनना इधर। कह रहा कि ड्रा एनी पॉलीगन एंड सेट इट्स इंटीरियर, कोई एक बहुभुज बनाइए और उसका इंटीरियर मतलब होता आंतरिक पार्ट, इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं यार, पता नहीं क्या बोलते हैं। इंटीरियर मतलब मैं ऐसे समझा दूं आपको, इसके अंदर का भाग, मतलब जो अंदर में है ये। कोई एक बहुभुज बनाइए और उसके अंदर के भाग को कलर करिए। तो देखो यार, मार्कर की स्याही बड़ी महंगी है, मैं इसको कलर तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे पोत लेना बस अंदर में, ठीक ना, आपका पेन जो है वो ज़्यादा पर्याप्त होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, अभ्यंतर बोलते हैं इसे, इंटीरियर मतलब क्या बोलते हैं, अभ्यंतर, अभ्यंतर बोलते हैं। शेड मतलब होता है छायांकित करना, या शेड मतलब छाया भी होता है, आपने सुना होगा। शेल्टर मतलब जैसे, उसी से कुछ मिलता जुलता है ना ये, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में यही करना था, एक कोई बहुभुज बनाना था जिसे पॉलीगॉन बोलते हैं इंग्लिश में, और उसे कलर करना था, तो ये आप कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर फोर की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्लास को पूरा देखना यार, भागना मत बाबू, ठीक है, पूरा देखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, तो भागना मत। चलो देखिए, आपको क्लियर तो हो रहा है ना,
कह रहा कि संलग्न आकृति को देख करके उत्तर दीजिए। अब उत्तर क्या दोगे? उत्तर ये देना है कि क्या ये खुला वक्र है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये वक्र है बताओ। पहला क्या ये कर्व है, दूसरा क्या ये क्लोज कर्व है, यस या नो बोलना दोनों में बस। नंबर ए, देखो इसको इंग्लिश में भी बता देता हूँ, इंग्लिश में क्या कहता है, इंग्लिश में कह रहा है कंसीडर द गिवन फिगर। कंसीडर मतलब समझो देख के, एंड आंसर द क्वेश्चन, इज इट अ कर्व, इज इट अ कर्व, यस ये एक कर्व है। अगला क्वेश्चन, इज इट क्लोज्ड, क्या ये बंद है? हाँ बंद है, इसमें कहीं खुला नहीं है, किसी तरफ से घुसने का जुगाड़ नहीं है भाई, तो ये यस, दोनों यस। ओनली वन क्वेश्चन बचा है लास्ट, उसको भी देख लो तब जाना। इस तरह से आपका एक्सरसाइज ये 4.2 फिनिश हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। कह रहा कि इलुस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ आ रफ डायग्राम, मतलब प्रत्येक को स्पष्ट कीजिए यदि संभव है तो, ठीक ना। हिंदी में कुछ ऐसे ही इसका मतलब होगा। क्या कह रहा है? कह रहा कि रफ आकृतियां बना करके यदि संभव है तो प्रत्येक को स्पष्ट कीजिए, मतलब डिस्क्राइब कीजिए। और क्वेश्चन क्या है प्रत्येक में समझना, पहला पहला कह रहा है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, क्या यह संभव है? हो सकता है कोई बंद वक्र जो बहुभुज ना हो? बताओ। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, जी बिल्कुल ये पॉसिबल है, एक क्लोज कर्व बनाना पॉसिबल है जो एक बहुभुज ना हो। कैसे? देख लो यार, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दो ऐसे उल्टा पुल्टा करके, ये देखो ये क्लोज वक्र है लेकिन ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज क्या होता है मैंने पीछे बता दिया है, रेखा खंडों से बनी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। इसमें कहीं रेखा खंड नहीं है, ये सिर्फ कर्व से बना है, मतलब तिरछी मिर्ची लाइन से, तो ये बहुभुज नहीं है। ठीक, ये डिस्क्राइब हो गया। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है हिंदी में बता देता हूँ, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुला वक्र, क्या ये संभव है कि केवल रेखाखंडों से खुला वक्र बना दिया जाए? एन ओपन कर्व मेड ऑफ एल्टरली ऑफ लाइन सेगमेंट, हाँ संभव है। देखो कैसे, केवल रेखाखंडों से ही खुला वक्र, ये लो बना लो, दोनों रेखाखंड है, ये खुला वक्र बन गया, बात समझ गए ना। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा अ पॉलीगॉन विथ टू साइड, एक बहुभुज दो भुजाओं से, भाई ये कभी संभव है? ये कभी संभव है कि बैठ के बोलो मैं आसमान में तीर मार दूंगा और करो कुछ ना, तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो उसी तरह से ये कह रहा है कि दो भुजाओं से लेके एक बहुभुज बनाओ। बहुभुज का मतलब है क्या होता है, कम से कम चार भुजा होनी चाहिए उसमें ना, कम से कम चार या नहीं तो तीन तो होनी ही चाहिए, तभी तो त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज को भी आप बहुभुज बोल सकते हो, है ना, अवस्था के अनुसार। लेकिन दो भुजा अगर आपको दे दें, चलो भाई इसे बहुभुज बनाओ, बना लोगे? नहीं बनेगा, लिख दो इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं, असंभव है। तो भाई ऐसे घटिया क्वेश्चन मत दिया करो यार जो संभव ही ना हो। लेकिन इसमें केवल आपको छांटना था कि हाँ ये संभव है कि नहीं है, वो ईमानदारी से कहा था प्यार से कि संभव अगर है तो कर दो, नहीं संभव है तो रहने दो, छोड़ दो। तो हमने छोड़ दिया, ख़त्म भी कर दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे यार, एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, वैसे आप स्वीकार करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यार, और दोस्तों में कम से कम दो चार लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो दूर दराज में बैठे हैं कोरोना के डर से कोचिंग क्लास नहीं कर रहे, सरकार ने बंद भी करवा दिया, वो कम से कम घर बैठे तो पढ़ सकें। भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इतना अवश्य करना, शेयर जरूर करना यार, निवेदन है ना। ज़्यादा को करो, केवल अपने वाली अपनी वाली को कर दो, बस एक ही लोग को कर दो यार, काम की जानकारी है ना। ठीक, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, जय हिंद। और चलते चलते एक और भी निवेदन रहेगा कि अपना और अपनों का ख्याल रखना और प्यार से रहना यार, ज़िंदगी बहुत दिन की नहीं है।